वेलकम टू DNP इंडिया। कहा जाता है कि राजनीति हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि समय को समझना और बहती हवा का रुख को भांपना यह प्रथम गुण है एक कुशल राजनेता के। तो बिहार चुनाव सर पर है और ऐसे में एक कुशल नेता चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनीति के मांझी जीतन राम मांझी की। मांझी राजनीति की वो परिपक्व लकीर है जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे वाह क्या राजनेता है। फिलहाल पहले आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने महागठबंधन का साथ छोड़कर NDA का दामन थाम लिया है। अब मांझी ने NDA के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और गुरुवार को औपचारिक रूप से इसकी मोहर लग जाएगी। जीतन राम मांझी अपने 4 दशक के सियासी सफर में सिद्धांत से ज्यादा समय को अहमियत देते रहे हैं। इसी का नतीजा रहा है कि बिहार के 7 सरकारों में वो मंत्री रहे हैं और अभी तक 5 पार्टियों में अपना सियासी ठिकाना बना चुके हैं। बिहार के गया जिले में खिजरसराय के महकार गांव में मुसर जाति में 6 अक्टूबर 1944 को जीतन राम मांझी का जन्म हुआ। उनके पिता रामजीत राम मांझी एक खेतिहार मजदूर थे। जीतन राम मांझी को भी बचपन में जमीन मालिक द्वारा खेतों पर काम पे लगा दिया जाता था, लेकिन उनके मन की ललक ने उन्हें आखिरकार काबिल बनाया। जीतन राम मांझी की शिक्षा की बात करें तो 1962 में उच्च विद्यालय में शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1967 में गया कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। गरीब परिवार से आने वाले मांझी को 1968 में डाक एवं तार विभाग में लिपिक की नौकरी मिली, लेकिन 12 साल डाक विभाग में नौकरी करने के बाद 1980 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और 4 दशक के सियासी सफर में 6 बार विधायक और 7 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री बनने के साथ साथ सत्ता की कमान भी संभाली। हालांकि 9 महीने ही मुख्यमंत्री पद पर वह रह सके। मांझी का राजनीतिक सफर 80 के दशक में कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले जीतन राम मांझी ने कई बार सियासी पाला बदल चुके हैं। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे और 1983 में चंद्रशेखर सिंह को सत्ता की कमान संभाली तो मांझी उनकी कैबिनेट में मंत्री बन गए। इसके बाद 1985 में दोबारा से मांझी कांग्रेस के विधायक बनने में कामयाब रहे और बिंदेश्वरी दुबे के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने में भी सफल रहे। इसके बाद कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व वाली कैबिनेट में भी वे मंत्री रहे। जीतन राम मांझी को साल 1990 में फतेहपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से पराजय झेलनी पड़ी थी। इसके बाद 1990 में जनता दल का दामन उन्होंने थाम लिया। इसके बाद 1996 में जनता दल टूट गई और लालू प्रसाद यादव ने अपनी अलग पार्टी यानी कि RJD बना ली। जीतन राम मांझी भी लालू प्रसाद यादव के साथ आए और 1986 में बाराचट्टी विधानसभा सीट से विजय हुए और विधायक बने। लालू यादव की कैबिनेट में जगह मिली और एक बार फिर से मंत्री बनने में कामयाब रहे। इसके बाद 2000 में राबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार बनी तो मांझी उसका अहम हिस्सा रहे। RJD के सियासी ग्राफ डाउन होते ही जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर 2005 में नीतीश कुमार का दामन थाम लिया और JDU के नेता बन गए। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो मांझी कैबिनेट का अहम हिस्सा बन गए और इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हार मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद मांझी ने अपने आप को बिहार की सियासत में महादलित नेता के तौर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन 9 महीने के बाद नीतीश ने मांझी को उनकी सीट से बेदखल कर खुद एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जीतन राम मांझी ने साल 2015 के सत्ता संघर्ष में नीतीश कुमार से मात खाने के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नामक अपनी पार्टी बना ली। इसके बाद BJP के नेतृत्व वाली NDA के साथ मिलकर 2015 में विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन खुद के अलावा कोई दूसरी सीट नहीं जीत सके। इसके बाद NDA से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए और 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह जीत नहीं सके। हालांकि RJD की मदद से अपने बेटे संतोष सुमन को MLC बनवाने में वह कामयाब हो गए। मौके की नज़ाकत को समझते हुए एक बार फिर उन्होंने NDA की नाव पर सवार होने का ऐलान किया है। तो ये थे जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई कुछ अहम पहलू।
बाकी खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। ताजा खबरों के लिए फेसबुक पेज से भी जुड़िए।